हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस। वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, जैसा कि ये वीडियो आपका 12th के लिए है और जो मेडिकल इंजीनियरिंग या इस विभाग से जुड़े हुए हैं और तैयारी करना चाहते हैं कुछ फिजिक्स के बारे में, हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये वीडियो आपका किसके लिए है, तो 12th के लिए है, मेडिकल के लिए है और जो इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। साथ ही अगर आप उस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं जिसमें की फिजिक्स का 12th से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके लिए भी ये वीडियो आपका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर आप बिहार बोर्ड CBSE वगैरह से एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी का अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, ठीक है। तो चलते हम लोग आज के सेशन की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाया था, कौन सा करवाया था, तो करवाया था आपका गोलीय लेंस, ठीक है। किस क्या करवाया था मैंने आपको, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको करवाया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू थिन लेंस, किसी पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन मैंने आपको करवाया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें क्या प्रूफ किए थे हम लोग प्रूफ किए थे 1/v - 1/u = μ2/μ1 - 1 × 1/r1 - 1/r2, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में प्रूफ किया था, ठीक है। ये बहुत ही VVI है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले जाके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, फिर आगे देखिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या था यहाँ पर, ये था। अब क्या है, अगर मान लीजिए यदि वस्तु को अनंत पर माना जाए, उसी के नीचे लिखना है, ठीक है, अनंत पे माना जाए, यदि वस्तु को अनंत पे माना जाए, हम लोगों के अनुसार जो कल बनाया तो उसके अनुसार फिगर कहाँ था, यहाँ पर वस्तु था जिसका एक इमेज यहाँ बन रहा था, दूसरा इमेज यहाँ बन रहा था, ठीक है। अगर वस्तु को अनंत पर मान लिया जाए तो उस स्थिति में, तो हम लोग उस स्थिति में यू का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अतः 1/v - 1/u = μ2/μ1 - 1 × 1/r1 - 1/r2। तो देखिए, यू का वैल्यू इनफाइनाइट, तो यू के जगह क्या रखेंगे, इनफाइनाइट। अब 1/∞ का वैल्यू हो जाता है 0, ये क्या हो जाए, 1/v μ2/μ1 - 1 × 1/r1 - 1/r2, ये हमको प्राप्त होता है, क्लियर। तो ये जो पहले से आपके पास एक्सप्रेशन था, ये क्या फोकस दूरी का एक्सप्रेशन है, 1/v - 1/u को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो इसमें से ये हटा दिए, अभी भी तो दोनों टर्म है लेकिन u का वैल्यू सिर्फ यहाँ 0 हो गया, मतलब ये भी तो अभी फोकस को दिखाएगा, तो ये भी फोकस को दिखाएगा, लेकिन जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उस स्थिति में माना जाएगा कि ये जो फोकस काम कर रहा है ये F2 के जैसा काम कर रहा है, मतलब जो आपका लेंस का सेकेंड भाग है उस सेकेंड भाग का फोकस की तरह इसको मानेंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में वन बाय वी को सेकेंड भाग के लिए फोकल लेंथ, मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी माना जाएगा या माना जाता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 1/f2 = μ2/μ1 - 1 × 1/r1 - 1/r2,
आर टू, ये आपको दिखाना जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, अनंत पर रखा जाएगा। ये सब आपका स्पेशल केस है, जो भी चल रहा है ना आपका स्पेशल केस है जो आपको दिखाना है, ठीक है। अब इसी का सेकेंड केस देखते हैं। अभी तक तो मान लिए कि वस्तु को कहाँ मान लिया, अनंत पर मान लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं प्रतिबिंब अनंत पर हो जाए, ठीक है। यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, यदि वस्तु का प्रतिबिंब ही अनंत पर बने तो क्या होगा। अगर वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उस स्थिति में भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी इनफाइनाइट होगा। और हम लोग जानते हैं 1/v-1/u इक्वल टू μ2/μ1-1 1/r1-1/r2, ये हम लोग जानते हैं। तो इस स्थिति में भी आपका हो गया इनफाइनाइट। तो 1/∞/1/u इक्वल टू μ2/μ1-1 1/r1-1/r2 हो गया। देखिए ये वैल्यू आपका जीरो हो गया। अब आपके पास क्या आ गया, -1/u (μ2/μ1-1)(1/r1-1/r2). तो क्या हो गया, 1/u (μ2/μ1-1)(1/r1-1/r2). तो यहाँ पर भी ये फोकस बनेगा, क्योंकि ये क्या 1/v-1/u, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे कि लेंस का जो पहला भाग है। देखिए लेंस दो लेयर से मिलके बनता है ना, ये वाला लेयर ये वाला लेयर। तो अभी जो हम लोग मानेंगे जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो इस स्थिति में मानेंगे कि ये जो फोकस है ये क्या है, दूसरे पहले फोकस की तरह, ठीक है। इस स्थिति में 1/u को प्रथम भाग के प्रथम फोकस दूरी के तरह माना जाता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, देखिए 1/u को क्या लिखेगा, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस पे, यानी क्या लिखेगा, -1/f, और ये क्या पहला वाला में फोकस मान लेंगे इसको, तो -1/f1 ये क्या हो जाएगा, μ2/μ1-1 (1/r1-1/r2). तो 1/f1 की बात करें, ये माइनस आ गया इधर, तो μ2/μ1-1 (1/r1-1/r2) ये हो जाएगा आपका जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब। क्लियर, ये हो गया दो केस। अब तीसरा केस क्या हो जाएगा, यदि लेंस को हवा में रखा जाए। देखिए इससे पहले वाला दो केस वाले, इसको तीसरा मान लीजिएगा। अगर लेंस को हवा में रखा जाए तो याद कीजिए, ये आपका लेंस था, ये था μ2, ये है μ1। तो देखिए हवा इधर है ना, अंदर μ2 है ना, इसलिए μ1 का वैल्यू हम लगभग मान लेंगे 1। μ1 का वैल्यू कितना मान लेंगे, 1। और μ2 का बात करें हम लोग, तो μ2 और μ1 जब रहा है नहीं तो उसको क्या मान लेते, डायरेक्ट हम लोग क्या मान लेते, μ मान लेते। तो μ2 को क्या मान लिए, μ, और μ1 को क्या मान लिए, 1। तो इस स्थिति में आपके पास हो जाएगा क्या, देखिए तो आपके पास जो फॉर्मूला था क्या, 1/v-1/u (μ2/μ1-1)(1/r1-1/r2) था। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 1/v-1/u। अब देखिए मान लेते हैं कि दोनों का जो है, ये जो है लेंथ आपका समान फोकल लेंथ वाला से मिलके बना है, मतलब दोनों का जो लेयर है इसका भी f1 है और इसका भी f है फोकल लेंथ, इसका भी f है, दोनों एक समान है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, देखिए μ2 की जगह क्या रखेंगे, μ1 की जगह क्या रखेंगे, 1-1, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1/r1-1/r2, और 1/v-1/u को क्या लिखेंगे, f। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ-1 (1/r1-1/r2). अगर इसको हम लोग हवा में रख रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन भी हम लोग दिखा सकते हैं, क्लियर रहेगा। अगर लेंस को हवा में रखा जाए तो उस समय एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1/f (μ-1)(1/r1) (-1/r2). ये हो गया आपका पिछला डेरिवेशन, आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज जो हम लोग चलने वाले हैं,
आज जो हम लोग चलेंगे वो चलेंगे समतुल्य लेंस। तो अब हम लोग चलते हैं समतुल्य लेंस। समतुल्य लेंस क्या होता है ये सोचिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई पेन है जो 5 रुपया वाला है, किसी और के पास कोई पेन है जो 10 रुपया वाला है, और किसी तीसरे के पास एक ऐसा पेन है जो 15 रुपया का है। तो आपका 5 रुपया का पेन, दूसरा का 10 रुपया का पेन, अगर दोनों को मिला दे तो कितना हो रहा है, 15 रुपया हो रहा है। और वही चीज अगर हम तीसरा के बारे में बात करें तो उसके पास भी क्या 15 रुपया का पेन है। तो कहने का मतलब आप दोनों को मिलाने के बाद जो रुपया बना, उस रुपया को मिलाकर के जो पेन लिया गया वो हो गया समतुल्य पेन इस दोनों के। समझ में आ रहा है? मतलब दो लेंस लेंगे हम लोग, पहला का फोकस और दूसरा का फोकस को मिला करके जो फोकस होगा वो अगर तीसरा का फोकस हो जाए, ठीक है, या हम लोग बात करें पहला के कारण जहां प्रतिबिंब बनना चाहिए और दूसरा के कारण जहां प्रतिबिंब बनना चाहिए, दोनों को मिलाने के बाद जिस स्थान पे प्रतिबिंब बनना चाहिए उस स्थान पर प्रतिबिंब बनने के लिए अगर कोई तीसरा लेंस प्रयोग होता है तो उस तीसरे लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, समतुल्य लेंस बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए बोला जा रहा है यदि दो या दो से अधिक कोएक्सियल लेंस, कोएक्सियल का मतलब हो गया एक ही अक्ष पर, एक अक्ष पर दो या दो से अधिक का बात बोला जा रहा है, ठीक है। दो या दो से अधिक कोएक्सियल लेंस के बदले एक ऐसा लेंस प्रयोग किया जाए, दोनों लेंस के बदला में एक ऐसा लेंस प्रयोग किया जाए जिसके द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान, जिसके द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान एवं आवर्धन वही हो जो दोनों कोएक्सियल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब का हो। मतलब दोनों के द्वारा जहां प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, जो स्थान होगा, उसी स्थान पर बनने के लिए अगर कोई तीसरा लेंस प्रयोग होता है तो उस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्य लेंस कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन। क्या डेरिवेशन देख लीजिए, क्या आपको करना है, लिखा हुआ है संपर्क में रखे दो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेस इन कॉन्टेक्ट। अगर दो लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है तो उसकी इक्विवेलेंट फोकल, मतलब फोकस दूरी, समतुल्य फोकस दूरी कितना होगा वो निकालना है आपको, ठीक है। हम क्या किए, दो लेंस ले लिए, ए बी और सी डी दो लेंस है, जहां एक्स एक्स डैश क्या है आपका, इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं पहला वाला जो लेंस है उसका जो ध्रुव है वो पी वन है, दूसरा का ध्रुव क्या है पी टू है, ठीक है। पहला वाला का कुछ में कुछ फोकस होगा, मान लीजिए एफ वन है और दूसरा वाला का फोकस क्या है एफ टू है, ठीक है। यहां से मान लीजिए आप लाइट लेके जाते हैं, यहां से आप लाइट लेके गए, अब देखिए जब पहला लेंस के पास जाएगा तो लाइट यहां से गया, इसको जाना कहां चाहिए था, ये ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे तो निकलेगा नहीं, ये क्या होगा अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के क्या होगा, ये अपवर्तन के बाद क्या होगा लाइट डाउन होगा। तो कहां डाउन होगा, तो देखिए मान लीजिए ये यहां से ऐसे डाउन हो गया, तो जहां जाकर के मिला, आप देखिए ये यहां गया, जाना चाहिए था उधर, लेकिन आ गया कहां नीचे, लेकिन ये कहां तक जाएगा, अगर ये लेंस दूसरा वाला लेंस नहीं रहता तभी ये यहां तक आगे बढ़ता, अब क्या होगा यहीं तक बढ़ेगा, यहां लेंस में घुसा उसके फिर से अपवर्तन होगा, क्यों, क्योंकि अब तो एक और लेंस मिल गया, इसको दो लेंस हो गया ना, पहला लेंस के कारण ये मुड़ा, मुड़ने के बाद यहीं तक में जाएगा, इसके आगे जाता कि ये वाला लेंस के कारण अपवर्तन अब शुरू हो जाएगा, तो लेंस के कारण यहां गया, तो मान लीजिए जहां भी गया वहां एक प्रतिबिंब बनाया जो हो गया आपका आई डैश, क्योंकि ये एक्चुअल यहां मिला नहीं, यहां मिलते हुए लगा, अगर ये लेंस नहीं रहता तो ये आके यहां मिल जाता, लेकिन अभी नहीं मिलेगा अभी, क्यों, क्योंकि ये लेंस के बाद फिर से इसका अपवर्तन होगा, तब फिर से इसका अपवर्तन हुआ तो इसका मतलब ये इमेजिनरी लाइन है जो क्या कहलाएगा, मान लेते पहला लेंस के द्वारा बना इमेज हो गया, क्या हो गया आई डैश हो गया आपका, क्लियर। अब क्या है आपका, देखिए यहां के बाद फिर से अपवर्तन होगा, होगा ना, क्योंकि यहां दूसरा लेंस है, अब दूसरा लेंस के द्वारा जब अपवर्तन होगा तो फिर डाउन होगा, तो कहां डाउन होगा, तो ये मान लीजिए, सॉरी ये मान लीजिए आपका इस तरह से, तो कहने का मतलब देखिए पहले वाला लाइट आपका हो गया ऐसे गया, अब यहां मान लीजिए ये ओ डैश है, यहां से अपवर्तन हुआ ऐसे, अब इसको फिर सीधा जाना चाहिए, लेकिन फिर क्या, एक बार और अपवर्तन होगा, अब लाइट कहां आ गया यहां,
तो देखिए आपका फाइनली ये वाला लाइट है आपका इंसिडेंट पहला वाला लाइट और फाइनली गया कहाँ, ऐसे गया फिर ऐसे हो गया, दो बार अपवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि दो बोल लेते, एक बार अपवर्तन कारण यहाँ इमेज बनता और दूसरा वाला कारण मान लीजिए कि यहाँ पर इमेज बना है, सॉरी आई ये आपका एक्चुअल इमेज बना, ये पहले था वर्चुअल इमेज, अब ये एक्चुअल इमेज बना। इसी को जब आप पीछे की तरफ बढ़ाइएगा और ये पहले से आया हुआ है तो ये पॉइंट पर मिला ना, जिस पॉइंट पर मिलेगा, जिस भी पॉइंट पर मिलेगा उस पॉइंट पर क्या होगा, एक नया क्या होगा, ये देखिए देखिए ये नया आपका क्या बन गया, लेंस बन गया। देखिए हम थोड़ा डीप करके दिखा रहे हैं, ये वाला जो सबसे बड़ा दिखा रहे हैं ये सबसे बड़ा, ये नया लेंस रखे ये वाला कहां पे, जहां ये आई का लाइन पीछे गया और ये ओ का लाइन पीछे गया, इसी का बीच में एक नया लेंस आ गया। अब था ये ए बी, ये था सी डी, अब मान लेते जो नया लेंस बना वो बन गया क्या ई एफ, जो कहां है बीच में। अब आप सोचिए ये लाइट आपका ओ से गया यहां पर, ओ से लाइट गया यहां पर और यहां से लाइट आया ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया, ये हुआ आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण। तो देखिए ये कौन सा मी बड़ा वाला लेंस से अपवर्तन हो रहा है, तो बड़ा वाला लेंस से हो रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला कारण इमेज कहां बन रहा है, आई पर है ना, और फाइनल इमेज भी कहां बन रहा था, आई पर। दो लेंस के कारण जो इमेज बना कहां, आई पर, और इसी को जब पीछे बढ़ाए तो यही इमेज आपका बड़ा वाला लेंस के कारण भी बन रहा है, मतलब लास्ट इमेज और ये बड़ा वाला लाइन के कारण, बड़ा वाला लेंस के कारण इमेज दोनों एक ही पोजीशन पर है। इसका मतलब बड़ा वाला जो ई एफ लेंस है ये आपका क्या कहलाएगा, समतुल्य लेंस कहलाएगा। तो अभी तक देखिए हम लोग एक एफ वन माने थे, दूसरा क्या माने एफ टू दूसरा वाला लेंस के लिए, और जो बड़ा वाला हम लोग बनाए उसके लिए मान लेते एफ थ्री, फोकस दूरी इसका क्या है एफ थ्री है, सबसे बड़ा वाला लेंस के लिए फोकस दूरी क्या है एफ थ्री, और इसका जो बीच का सेंटर है मान लेते ये क्या है पोल पी, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग एल वन एल टू से दिखाते हैं लेंस में, ये हो गया एल वन, ये हो गया एल टू और ये हो गया आपका क्या एल, क्लियर, यहां तक समझ गए। तो लिखिए क्या, देखिए क्या होगा, माना कि ए बी तथा सी डी दो लेंस है, कैसा लेंस है, दो उत्तल लेंस है, ठीक है, जिसे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखा गया, क्लियर, ओ ओ डैश आपतित किरण है जो पहले लेंस, क्या है पहला लेंस ए बी, ए बी से अपवर्तन के बाद कहां मिलती है आई डैश बिंदु पर, आई डैश बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरा लेंस से भी अपवर्तन होगा, दूसरे लेंस क्या है सी डी से अपवर्तन के बाद कहां मिलेगा, लास्ट में ये वाला आई बिंदु पर मिलती है जो वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अब देखिए आपतित किरण को और अंतिम, अब आपतित किरण तथा अंतिम अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर
जिस बिंदु पर मिलता है वह बिंदु समतुल्य लेंस का स्थान होगा। ठीक है, हम लोग लिखे देखिए क्या है, ए बी सी डी दो उत्तल लेंस है, ये तो क्लियर है। ये वाला पहला लेंस था आपका और ये वाला दूसरा लेंस था आपका ए बी और सी डी, है ना। एक दूसरे को कांटेक्ट में रखा गया है ओ ओ डैश, देखिए ओ से ओ डैश आपतित किरण है किसके लिए, पहला लेंस के लिए, जो पहले लेंस ए बी से, पहले लेंस ए बी से अपवर्तन के बाद आई डैश पहला स्थिति में कहां जा रहा था, ये आई डैश बिंदु पर जा रहा था, मिलती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरे लेंस सी डी, दूसरा लेंस कहां, ये वाला है सी डी, दूसरे लेंस सी डी से अपवर्तन के बाद क्या होती है आई बिंदु पर कटती है, आई बिंदु पर मिलती है, यहाँ आई डैश नहीं, आई आई बिंदु पर मिलती है, जो वस्तु का क्या होता है अंतिम प्रतिबिंब होता है। अब आपतित किरण को देखिए, आपतित किरण ये था ना, इसको पीछे बढ़ा दिए, एवं आपतित किरण को तथा अंतिम अपवर्तित किरण को पीछे क्यों, अंतिम अपवर्तन कौन है ये वाला है ना, इसको पीछे की तरफ बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलेगा वही बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलता है वह बिंदु समतुल्य लेंस का स्थान होगा। यही पर हम लोग क्या करते हैं समतुल्य लेंस को ले लेते हैं। यदि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी एफ कॉमा पहले एवं दूसरे लेंस की फोकस दूरी एफ वन तथा एफ टू हो तो, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, पहला लेंस का फोकस दूरी एफ वन, दूसरा लेंस का फोकस दूरी एफ टू, और जो समतुल्य लेंस लिए उसका फोकस दूरी क्या लिए हैं एफ ले लिए हम लोग। ठीक है, तो इस स्थिति में अब क्या होगा, तो हमारे पास में लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या है, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू क्या होता है वन बाय एफ। ठीक है, तो वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू क्या होता है वन बाय एफ, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए, तो पहला लेंस के लिए अगर मान लीजिए वन बाय वी, भी का मतलब क्या प्रतिबिंब, तो पहला लेंस के कारण प्रतिबिंब कहां बन रहा, देखिए आई डैश न, तो ये मान लीजिए आई डैश। ठीक है, अब आई वस्तु कहां रखा पहला लेंस के लिए, ये वाला। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए यू, और ये क्या हो गया भी, सॉरी भी डैश, प्रतिबिंब भी डैश, क्योंकि आई डैश को मैंने क्या भी डैश नहीं। अब यहां जो अंतिम प्रतिबिंब बना है इसको मान लेंगे भी है, क्या है ये अंतिम प्रतिबिंब भी है। तो देखिए पहले लेंस के लिए वन बाय भी का मतलब क्या हो गया प्रतिबिंब दूरी, तो पहला कारण प्रतिबिंब ये वाला ना, इसका क्या होगा आई डैश होगा, भी डैश हो जाएगा, वन बाय भी डैश माइनस वन बाय यू, यू का मतलब वस्तु दूरी ना, तो पहला के लिए वस्तु हो जाएगा ये वाला, तो ओ और यहां तक ये वाला दूरी इसको क्या मानेंगे यू, ये हो गया यू इक्वल टू वन बाय एफ, पहला लेंस में फोकस कितना वन एफ वन, ये क्या जाएगा वन बाय एफ वन, इसको ले लेंगे समीकरण ए। अब लिखेंगे दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए बात करेंगे तो फिर हो जाएगा वन बाय भी। अब दूसरा लेंस के लिए क्या करेंगे, प्रतिबिंब ये ना बना दूसरा लेंस का, दूसरा लेंस से फाइनल प्रतिबिंब कौन बना ये, इसके लिए ये वाला को वस्तु मानेंगे, पहले वाला प्रतिबिंब को क्या मानेंगे वस्तु, मतलब ये वाला वस्तु, तो वन बाय भी मतलब भी का मतलब क्या प्रतिबिंब दूरी फाइनल वाला, तो ये क्या आ गया भी वन बाय भी माइनस वन बाय यू, वन बाय यू, यू का मतलब वस्तु दूरी, तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु कौन सा ये है भी डैश है, ये क्या हो जाएगा वन बाय भी डैश इक्वल टू वन बाय एफ, दूसरा लेंस के लिए फोकस कितना एफ टू, ये ले लिया हम लोग एफ टू। ठीक ना, अब क्या करेंगे समीकरण एक तथा दो को जोड़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है बस इतना ही समझना है आपको, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए वन बाय भी डैश माइनस वन बाय यू, अब इसको जोड़िए प्लस वन बाय भी माइनस वन बाय भी डैश
इक्वल टू, इधर देखिए 1/f1 + 1/f2, देखिए 1/v' / 1/v' कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया 1/v - 1/u = 1/f1 + 1/f2, यही हुआ ना। अभी निकल गया आपके पास समीकरण ये, मान लीजिए ये निकल गया आपका 3, क्लियर ना। अब चलते हैं हम लोग, अब आपके पास क्या है अंतिम प्रतिबिंब, अब क्या है जो आपका बड़ा वाला लेंस है वो, ठीक है, क्या लिखेंगे अब समतुल्य लेंस के लिए। समतुल्य लेंस कौन सा है, ये वाला है। तो देखिए समतुल्य लेंस के लिए क्या होगा, ये हो गया आपका वस्तु दूरी और ये हो गया प्रतिबिंब दूरी। देखिए प्रतिबिंब ये और यहां से यहां गया क्या आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण। तो इसका दूरी क्या हो जाएगा जो पहले वाला यू था, और इसका दूरी क्या हो जाएगा जो भी है आपका, क्योंकि पहले से दिया हुआ है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए उसके लिए हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। क्यों f होगा, क्योंकि बड़ा वाला लेंस का फोकल दूरी कितना लिए f लिए है, यहाँ f लिखना पड़ेगा। अब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तो यही वाला है जो पहले का था, ये हो गया v, और वस्तु दूरी तो पहले जहाँ वस्तु था वही होगा u, ये हो गया 1/f, क्लियर ना। ये हो गया मान लीजिए समीकरण 4, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 3 और 4 को मिला दीजिए, 3 तथा 4 से देखे तो 3-4 में यहाँ भी 1/v - 1/u, यहाँ भी 1/v - 1/u, इसका मतलब RHS LHS बराबर, तो RHS क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, इसका RHS क्या है 1/f, और यहाँ पर क्या है 1/f1 + 1/f2, ये निकल गया आपका एक्सप्रेशन, क्लियर ना। एक बार फिर से देख लीजिए डेरिवेशन को, फिर से देखिए, अभी आपके पास जनरल फॉर्मूला क्या था 1/v - 1/u = 1/f, हम लोग जानते हैं ये चीज। तो पहला लेंस के लिए देखिए, पहला लेंस के लिए, पहला लेंस के कारण प्रतिबिंब कहाँ बना था, ये वाला जो डैश वाला लाइन था, ये वाला, तो ये दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा, और आई डैश प्रतिबिंब दूरी को भी डैश से दिखाएंगे, और वस्तु कहाँ है ओ पर, ये दूरी को किससे दिखाएंगे यू से दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा लेंस के कारण कहाँ बना प्रतिबिंब आई पर, ये दूरी को हम लोग भी दिखाएंगे, क्लियर ना। और इसके लिए वस्तु मान लेंगे, ये जो पहले वाला इमेज बना उसको हम लोग वस्तु मान लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख भी लीजिए साइड में, अगर लिखना है तो पहले भी डैश वस्तु के तरह कार्य करेगा, किसके लिए, दूसरे लेंस के लिए। तो समझ लीजिए क्या बोल रहा है, तो ये समझ में आ गया कि ये वस्तु दूरी, ये प्रतिबिंब दूरी दूसरे लेंस के लिए, वही लिखे 1/v - 1/u = 1/f, 1/v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो पहले प्रतिबिंब कहाँ हुआ था आई डैश पर, इसका दूरी क्या है भी डैश, तो देखिए भी डैश -1/u, वस्तु कहाँ था ओ पर, ये दूरी कितना है यू, ये क्या हो गया 1/u = 1/f, 1/f किसका हुआ पहले लेंस का, पहले लेंस का कितना है f1, ये हो जाएगा f1, क्लियर। दूसरे लेंस के लिए 1/v का मतलब फाइनल दूसरा लेंस से प्रतिबिंब कहाँ ये बना, यानी 1/v - 1/u, -1/u का मतलब दूसरा लेंस के लिए यू कहाँ बोले लेने के लिए अंतिम वाला, ये जो है आपका भी डैश को हम लोग वस्तु मानेंगे, तो भी डैश हो गया = 1/f, तो दूसरा लेंस पे फोकस क्या f2, तो 1/f2, ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों को जोड़ दिए तो भी डैश खत्म हो गया, 1/v - 1/u = क्या निकल गया 1/f1 + 1/f2, देखिए राइट साइड में हो गया ये, और लेफ्ट साइड में ये होगा जोड़ के इतना निकल गया, ठीक है। अब समतुल्य लेंस के लिए बात करते हैं हम लोग, तो समतुल्य लेंस ये वाला बना ना, इसका फोकस, इसका जो मान लीजिए ये वाला क्या हो गया आपतित किरण, ये वाला अपवर्तित किरण, तो ये दूरी तो आपको पता है यू, और ये दूरी क्या हो जाएगा भी, तो यू और भी, तो 1/v - 1/u = 1/f, तो बड़ा वाला लेंस के लिए फोकस देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए, तो क्या एफ फोकस कितना है तो 1/f। अब इसको मान लीजिए समीकरण 4, 3 और 4 को देखेंगे तो 3 में देखिए LHS में आपका 1/v - 1/u, और 4 में भी LHS में क्या 1/v - 1/u। अब दोनों को RHS बराबर करें तो 1/f = क्या हो गया 1/f1 + 1/f2, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन निकल गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें कि फोकस दूरी कितना निकलेगा, तो देखिए 1/f = LCM कितना हो जाएगा f1 f2 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा f2 + f1, इसको उल्टा देंगे f = क्या हो जाएगा f1 f2 / f1 +
एफ टू यही निकल गया समतुल्य फोकल लेंथ। ठीक है, समतुल्य फोकल दूरी किसके लिए, जो समतुल्य लेंस है उसके लिए। अब अगर हम लोग पावर के लिए बात करेंगे तो पावर के लिए तो चूंकि 1/f इक्वल टू या ऐसे हम जानते हैं p बराबर क्या होता है 1/f होता है ना, तो p1 बराबर क्या हो जाएगा 1/f1, p2 बराबर क्या हो जाएगा 1/f2 होगा ना। आ जाइए समीकरण यहां से, यहां से अब क्या है चूंकि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f को देखिए तो क्या लिखेगा p, 1/f1 को क्या लिखेगा p1 और 1/f2 क्या लिखेगा p2, तो पावर क्या हो जाएगा p बराबर हो जाएगा p1 प्लस p2। क्लियर, तो इस तरह से क्या हो जाता है आपका p1 प्लस p2, मतलब दो समतुल्य लेंस अगर दो लेंस को एक दूसरे के कंटेक्ट में जोड़ा जाए तो पावर क्या हो जाएगा सीधे जुड़ जाएगा। तीन लेंस होगा तो क्या हो जाएगा p1 प्लस p2 प्लस p3, चार लेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा p4, तो पावर क्या हो जाएगा सीधे जुड़ जाएगा जितना लेंस को कॉन्टेक्ट में लाए, और फोकस क्या होगा एक दूसरे से 1/f1 के टर्म में जुड़ते जाएंगे। क्लियर, तो ये हो गया आपका लेंस दो कॉन्टेक्ट में रखे उत्तल लेंस के कारण उसकी फोकस दूरी, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी और उसका पावर का एक्सप्रेशन। क्लियर, सेम कंडीशन आपका अवतल लेंस भी होता है, सिर्फ अवतल और उत्तल में क्या अंतर है, उत्तल का फोकस आपका प्लस होता है और अवतल का फोकस क्या होता है माइनस में होता है। बस यही चीज आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और साथ ही अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को तो चैनल के लिंक को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से सेंड कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके। धन्यवाद।